अरे सीधे बैठ जाइए। अरे मैडम ये चेयर पीछे है ना, ये कैसा चेयर पीछे है तो गिर गया। कोई बात नहीं, सीधे से बैठ जाइए। ओह नो मैडम, आपको अभी कमी हो रहा तो आप अंदर क्यों नहीं आ रहे थे? मैडम मैं समझा नहीं, मैंने सोचा मुझे आपने कमी ना बोला, तब मैंने मैं नहीं आया। मैडम सच में बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं आया था, मैं सोचा कमी ना बोला है। तो बताइए मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ? हाँ मैडम, मैं वैसे तो नौकरी के लिए आया था यहाँ पे। नौकरी मिलेगी आपके यहाँ? जी वैसे तो बहुत सारी नौकरी है, बट अब हमें देखना पड़ेगा कि आपको किस नौकरी की जरूरत है और आप कौन सी नौकरी कर सकते हैं। वैसे तो मैं नौकरी बोला तो काम तो मैं सब कर लेने वाला हुआ, जो बोलोगे वो कर लेने वाला हुआ, हल्का काम भारी काम मतलब क्या बोलूं, गांव भर हुआ ना, सब कर लेता हूँ मैं तो काम धाम। तो बताइए फिर आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैडम मैं 9-9.5 तक पढ़ा हुआ हूँ। 9.5 मतलब? आपकी समझ में नहीं आया शायद ना, तो मैं जानता हूँ ना, तो 9-9 ऐसे हुआ ना, 9 तक तो मैं फुल स्कूल गया, फुल मतलब हर दिन गया, बारिश में भी गया और हर दिन मैं स्कूल जाता था। 9 पास किया मैडम, ऐसे ही थोड़ा संगत खराब जैसा हो गया ना, तो फिर क्या हुआ कि मैं 6 महीना फिर गया। oh, no. क्या बोलते हैं वो अर्धवार्षिक परीक्षा बोलते ना जी, आप ही लगाओगे शायद नो हुआ, फिर 9 महीना खुल गया तो फिर 6 महीना फिर बाद में स्कूल छोड़ दिया, तो आप बताओ कितना हुआ। मैंने 9.5 पढ़ा है ना, अब 6 महीना इसे बढ़ा दो तो 10 तक हो जाऊंगा, तो नौकरी बढ़िया मिल जाएगी मुझे, क्यों मैडम? अच्छा वो सब छोड़िए, अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए मुझे। मैडम डॉक्यूमेंट तो मैडम मेरा ही एकदम बढ़िया करके लाया हूँ मैडम, मैं डॉक्यूमेंट लो मैडम। ओह नो 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 मैडम, वैसे नौकरी कौन सी नौकरी मिलेगी?
वैसे आपको इस ऑफिस में तो मैं कोई जॉब नौकरी नहीं मिल पाएगी क्योंकि आपने हाई स्कूल भी पास नहीं कर रखा है। अगर आपने हाई स्कूल पास कर रखा होता तो शायद आपको कोई ना कोई नौकरी मिल सकती थी, क्योंकि हमारे ऑफिस में जितनी भी नौकरियां हैं सब हाई स्कूल से लेके ऊपर की जितने भी क्वालिफिकेशंस वाले लोग हैं उनको ही मिल पाती है। अब आपने तो हाई स्कूल भी नहीं कर रखा है तो ऐसे तो आपको कोई काम नहीं दे सकती हूँ। पर ऐसा है कि आपको अगर जरूरत हो जॉब की, अगर आप चाहो नौकरी करना, तो आप मेरे घर पे काम कर सकते हैं क्योंकि मुझे एक हाउसकीपर की जरूरत है और हमारे घर में जरूरत है, तो इसके वजह से आप चाहें तो वहां काम कर सकते हैं। आप बताइए कि काम करना चाहेंगे या नहीं। अच्छा, तो आप घर का काम करना जानते हो? हाँ मैडम, वो घर का बोलो तो मैं घर का नहीं करने वाला हूँ। आपको मैं बताऊंगा मैडम कि मेरे पास 10 भैंस हैं, 4-5 बकरियां हैं और 2 गाय हैं। गोबर निकालना, घास काटना, पानी पिलाना सब मैं ही करने वाला हुआ मैडम। लेकिन मैडम आप बोलोगे तो मैं घास भी काट दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, नौकरी मुझे मिलेगी। अरे अरे, ये गांव नहीं है, ये तो शहर है। यहाँ पे ऐसे काम थोड़ी ना किए जाते हैं। यहाँ पे तो आपको अलग काम करने पड़ेंगे, जैसे कि सुबह का चाय वगैरह बनाना, हल्का फुल्का काम आपको करना होगा, जो अगर आपको आता है तो बताइए आप टी बनाना चाहते हो? मैडम टी तो मैडम मैं घर में भी ना ये काम भी मैं अच्छे से जानता हूँ मैडम। अरे ये तो खुशी की बात है जो ऐसा काम मिलेगा मैडम। टी ना मेरे घर में नर टूटते हैं, उसका टी मैं ही लगाता हूँ मैडम। मिस्त्री भी हुआ वैसे तो टी बना लिया, उसका बहुत भुरभुरिया हो गया, पोछा मारने का टी बनाऊंगा। टी जो कहीं टूटा फूटा ना तो टी लगा लेता हूँ मैं घर में, बस किया वही काम। ये तो अच्छी बात है। खैर मैडम, मतलब है आप चाय बनाना जानते हो? हाँ मैडम, चाय भी मैं अच्छे से जानता हूँ। चाय तो मैं बना लेता हूँ। क्या कैसे बनाते हैं आप चाय? मैडम चाय ना मैडम आपने कभी ऐसा चाय नहीं पिया होगा। मैं मैडम हल्दी हो गया, नमक हो गया, फिक्स बनाऊंगा, आपको दोबारा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैडम। चाय बिल्कुल बढ़िया बनके आपको मिल जाएगी। सुबह का पीते हो ना चाय? जी बराबर। कितना बजे? सुबह 7 बजे। भाई मैं 6:30 बजे दे दूंगा आपको। पर आप हल्दी नमक कौन डालता है चाय में? आपने कभी पहले चाय बनाई है? पर अब आप ये बताइए कि आप कुछ काम जो जानते हो, जैसे कि आप बाईपत्ति वाले में कुछ जानते हो? क्या होता है बाईपत्ति? वहाँ पर तो मैं बढ़िया मैडम, वहाँ पर तो मैं कर ही दूंगा, वहाँ पर भी मैं बढ़िया करता था। ठीक है। अब ये मैं वहाँ पर यहाँ पर नहीं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ बाईपर के बारे में। जानते हो यहाँ पे तो शहर हुआ, सिटीज में तो क्या होता है कि टाइल्स वगैरह लगे होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, तो बाईपर से क्लीनिंग की जाती है। आप जानते हो कि वहाँ पर नहीं होता है, बाईपर होता है जिससे क्लीनिंग करते हैं। जानते हो सफाई सफाई करते मैडम आपके घर में आए हो? जी हमारे घर में है। आपने मेरे घर में तो नहीं मैडम, हम तो गांव के नाश होता है, हम तो वही हो आप मिट्टी से लिपाई करने वाले हो। इतना बड़ा पकड़ा रहे बोल रहा घट गम 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 पानी फेंका हो गया, काम खत्म, फूक जाने वाला हुआ थोड़ी देर में हो गया। तो आप गैस चलाना जानते हो? कभी गैस चला रखा है आपने? मैडम ऐसा है ना, गैस तो मैं जलाता है, पर गाड़ी जा रही थी ना, 4-5 दोस्त थे, हमने पीछे जा माचिस का आग लगा दिया। अरे गजब कर के चला। हे भगवान, आप ऐसा ही करते हो हमेशा। आप ये बताइए कि आप कैसे करेंगे काम? चलिए फिर मैं आपको बाइपर दिखाती हूँ कि बाइपर कैसा होता है। ठीक है, आप बताइए, मैं बाइपर दिखाऊंगा। जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी वो ये है ना, जो टाइल्स वगैरह होते हैं उनका क्लीनिंग वगैरह करते हैं, तो उसके काम में आता है वो। आप इसे पकड़ के देखो, इसको पकड़ो, आप कैसा लगता है आपको, देखो कैसा है इसका। मेरा विषय में मैं खरीद लूंगा। अरे हम तो नल कितने पकड़ने वाले, घर में नल का काम करने वाले, नल का आता था नल योजना, तो हम ही नल बोकते थे, तो वहाँ ये तो मैं खरीद लूंगा, ये तो बढ़िया है। अरे अरे ऐसा नहीं करते हैं, टूट भी जाता है। ठीक से आप इसको यूज करके दिखाओ मुझे। मैं तो कहाँ पर करें, वहाँ यूज करके दिखाइए। चलिए
यहाँ पे मैडम जी अरे अरे क्या कर रही हो ये मैडम, हम बचपन में ना छोटे थे ना, इसमें भूरी लगाते थे उसका चप्पल का ना, हम ऐसे चलाते थे। अरे ये तुम्हारा गेम खेलने वाला खिलौना थोड़ी ना है, ये वाइपर है, इसे क्लीनिंग करते हैं। अच्छा मैडम ये कैसे होगा मैडम, ये बताओ तुम। इसको ऊपर से पकड़ो, इसको नीचे रखते हैं जमीन पे, क्या कर रहे हो ये? ये रख दो और बैठ जाओ आगे। मैडम कहाँ रख रहे हैं? रख दो साइड पे रख दो। अरे फेंकना नहीं था, तोड़ दोगे क्या? चलो बैठो। सैलरी कितना मिलेगा मुझे? काम तो मैं सब कर लिया, जो बताया वो भी आपको पता ही है, मैं समझदार हूँ, तो काम तो मैं सब कर लेने वाला, आपको पता चल गया। पैसा कितना मिलेगा? पैसा कितना मिलेगा? आप सैलरी के बारे में बात कर रहे हो, आप ही बता दो सैलरी भी कितनी मिलेगी। मैडम सैलरी 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 क्या होता है मैडम? सैलरी सैलरी मतलब आपकी तनख्वाह कितनी मिलेगी, आपको कितनी तनख्वाह, कितना पे चाहिए आपको? पे क्या हुआ मैडम? आपको तनख्वाह कितनी चाहिए वो बता। हाँ मैडम, गांव घर के लोग हैं मैडम, गांव घर में रहने वाले, इसलिए मतलब नहीं जानते। तनख्वाह ना रुकी है, तनख्वाह मिलता है तो जानते हैं, तनख्वाह मुझे 25,000 रुपये दे देना मैं बहुत बार, वही तो काम में तो बहुत ज़्यादा करने वाला हुआ। अब बाकी आप मेरा काम देख के पैसा बढ़ा देना, क्या हो गया उसमें? कम तो नहीं लग रही है, 25,000 ज़्यादा तो नहीं चाहिए? तो मैडम उसे 25,000 भी तो कम है, क्योंकि मेरे घर में हम 10-12 हैं ना भाई बहन, पैसा कम है, माँ बाप भी है, तो कम से कम 12 भाई बहन है लगा के, 12 वो हो गए भाई बहन, 12 में से फिर दो माता पिता हुई ना, दो माता पिता कितना हुआ, 12 13 14 हुई ना, तो पैसा तो सिर्फ कम ही हुआ, लेकिन बाद में बढ़ा दिया ना, उसमें क्या हो रहा है? 25,000 की बात तो छोड़ो, अब ये बताओ कि मैं आपको नौकरी भी कैसे दूँ, आपको तो कुछ काम ही नहीं आता है ना। मैडम काम तो मैं आपको करके दिखा दिया, आप बोल रहे हो काम नहीं आता है मैडम, ये तो गलत बात है। क्या करके दिखाया है, जो करना होता है वो तो आता ही नहीं है आपको, आपने तो हाई स्कूल पास भी नहीं कर रखा है, पढ़े लिखे तो हो नहीं, क्या जानोगे करना यहाँ पे? ऊपर से क्या कहते हैं, मुझे लगा चलो आपको घर का काम दे दिया जाए, घर का काम भी नहीं आता है, भाई पर क्या होता है ये तक नहीं जानते आपको। मैडम अब क्या होगा? ओह नो, आपको तो घर घर में चाय बनाने भेजेंगे तो आप तो गैस में आग लगा दोगे, ऐसे करोगे आप काम? ऐसे कैसे चलेगी आपकी जिंदगी? क्या होगा फिर मैडम? अब क्या होगा, मैं तो आपको नौकरी नहीं दे सकती हूँ मैडम, आप चाहिए तो। मैडम मुझे नौकरी दे दो, मेरे घर में ना बहुत लोग खाने वाले हैं, पैसा नहीं है मैडम, मुझे नौकरी दे दो, मैं काम कर दूंगा मैडम, जैसा कहोगे वैसा करूंगा, जब उठो बोलोगे तब उठूंगा मैडम। अरे आप क्या काम करोगे, आपको तो कुछ आता ही नहीं है मैडम। धीरे धीरे सीख जाऊंगा ना, आप बता दें कर दूंगा फिर मैं, एक दिन करूंगा दूसरे दिन, किसी दिन कर हो जाएगा। आपको मैं नौकरी नहीं दे सकती, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको कुछ हल्का फुल्का काम भी आता तो हम करने को देते। तो मैडम आप ऐसा मत करना मैडम, हमारे बहुत बड़ा परिवार है, आपको बताया हूँ तो ये मैडम, आज तो सबका बंद हो गया कोरोना के चक्कर में, कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है, किसी ने बोला आपके यहाँ काम मिलता है बोलते, तब मैं यहाँ पर टिकट लगा के आया 100 रुपया, आप मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो मैडम, रखो ना मुझे, अब मैं इधर ही नौकरी करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, आप जो भी कर झाड़ू पोछा तो मैं करता ही हूँ, बाकी बड़ा भी नौकरी दोगे तो कर दूंगा मैं, क्या हो रहा है उसमें करने में कोई आफत थोड़ी होती है। आपको छोटा काम तो आए तब तो बड़ा काम भी देंगे आप, ऐसा करो आप यहाँ, हम तो नौकरी नहीं दे सकते आपको, आपने थोड़ा ज्यादा पढ़ाई किया होता, ज्यादा ही 10 पास भी किया होता तो हम आपको नौकरी पे रख लेते, पढ़ाई करना आजकल के जमाने में कितना जरूरी है आप जानते हैं, पढ़ाई के बिना आजकल कुछ भी नहीं होता है, अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे। मैडम मैं मैडम आपको सच बता रहा हूँ मैडम,
इतने छोटा था, बोलियो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। आपने 10 पास भी नहीं कर रखा, हाई स्कूल तो पास किया होता तभी तो नौकरी में रखते। हमारे यहाँ पॉलिसी है कि अगर हाई स्कूल पास नहीं कर रखा है तो हम जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते किसी भी क्लाइंट्स को। कोई भी आएगा तो हम तभी तो जॉब देंगे उनको जब उन्होंने पढ़े लिखे होंगे। जब कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, जिसने हाई स्कूल नहीं किया, तो उसको जॉब ऑफर कैसे कर सकते हैं? ये हमारे रूल्स हैं और हमारी पॉलिसी है, तो हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते। देखिए आप क्या बोलते हो, जो भी होगा 10,000 क्या दे देना। 10,000 आप अपना और मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। और मेरा मुंह 10,000 चलो 1,000 दिखा देता, 9,000 चलो 9,000 में करूंगा। हो गया आप 9,000 का तो दे ही सकते हैं। अरे आप जाओ और आप मेरा और मेरा टाइम बर्बाद मत करो और अपना फाइल पकड़ो। अरे मैडम स्कूल रहने दूंगा मैडम, आप रोको ना, मैं नौकरी में कहाँ जाऊंगा, कहाँ इस कोरोना के चक्कर में हर जगह पुलिस डंडा मार दिए, नौकरी कौन देगा मुझे? आप किसी ने बताया नौकरी देते तब मैं आया, अभी इधर बिल्कुल परेशान कर दिया मुझे। मैं नौकरी दो मुझे, ये इतना बढ़िया फाइल बना के लाया हूँ, 80 रुपए का फाइल पकड़ा, देखो ना इसी को देखी थी आप नौकरी दे देते, इतना अच्छा फाइल नहीं। oh, no. अरे हम आपको नौकरी दे देते पर लोग तो कैसा कैसा फाइल में लाते, मैं नया फाइल लाया मैडम के यहाँ जा रहा हूँ। फाइल से थोड़ी ना कुछ होता है, आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे प्रॉपरली। पहली बात तो आप पढ़े लिखे नहीं, तो ऐसे में कैसे आपको नौकरी देते हैं? इस जमाने में पढ़ाई लिखाई सबसे जरूरी है, पढ़ाई लिखाई अब नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको तो झाड़ू पोछा भी नहीं आता, क्या नौकरी नहीं हम आपको? आप अपना और मेरा टाइम बर्बाद कर दीजिए। एक बात बोलूं? बोलिए। एक तो आपने मेरा पूरा समय बर्बाद कर दिया, फिर आप बोलते कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा थोड़ी होता है मैडम। आप पहले बोल देते नौकरी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं चले जाता घर का काम करता, ऐसा थोड़ी होता है। कितना रुपया टिकट लगा के आया हूँ मैं, किसी ने बताया था वहाँ नौकरी मिलेगा, आप भी ऐसा बात करते हो। अरे मैं आपको नौकरी नहीं मिल सकती ना, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? एक तो आपने मेरा समय बर्बाद कर दिया, ऊपर से यहाँ पे झगड़ा मत करो, अब जाओ यहाँ से। मैडम देखो मैडम, अरे सब मत करो यहाँ पे, आपको नौकरी नहीं दे सकते, आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बुद्धू हो निकला यहाँ से। मैडम मैं घर का काम कर दूंगा, आप भी नौकरी आप पकड़े रहो, ठीक है? गोबर निकालूंगा भैंस का, काम मैं बढ़िया करके जाता, तुम्हारा यहाँ काम थोड़ी करूंगा मैं, चलता हूँ। जाओ आपने देखा कि हमने इस वीडियो में आपको बताया, जैसे कि दिखाया कि एक अनपढ़ व्यक्ति कितना परेशान हो जाता है अपने दिन के कारोबार के लिए और अपने नौकरी ढूंढने के लिए तक भी इतना परेशान हो जाता है, उसका जनजीवन चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, जैसा कि आपने देखा। तो दोस्तों जिंदगी में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, सभी के लिए पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप पढ़ते लिखते हैं तभी आप आगे जाके कुछ कर पाएंगे, अपने लिए जी पाएंगे, अपनी जिंदगी में आगे चल के कुछ बन पाएंगे। तो कभी भी अगर आप कुछ भी करते हो सबसे पहले शिक्षा का होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई नहीं करता है उसके लिए जो जीवन होता है वो बहुत कठिन हो जाता है, जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा है कि एक व्यक्ति को नौकरी तक भी नहीं दी जाती क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होता जिस उसके वजह से। तो पढ़ाई लिखाई कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए और अपनी फैमिली मेंबर्स को खुशियां दीजिए, वो आप दे सकते हैं पढ़ाई लिखाई करके, जो कि आप पढ़ाई लिखाई ना करने की वजह से नहीं दे पाते हैं। तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है जिंदगी। तो दोस्तों यही था हमारा वीडियो और इसमें हमने मेन गोल रखा है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड। तो एजुकेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ, दिस इज द मेन गोल एंड दिस इज द मेन पर्पस ऑफ हमारे वीडियो का। जो मेन पर्पस है यही है कि एजुकेशन को प्रमोट करने का, ताकि इंसान हर इंसान को एजुकेशन मिल सके और हर इंसान पढ़ाई लिखाई कर सके और वो पढ़ाई लिखाई के लिए शिक्षा के लिए अपने आप को प्रेरित कर सके, इसका मेन गोल हमारा ये था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे समय पे और आपको पता भी चल सके। तो जो आप बेल आइकन प्रेस करोगे उसके सामने जो ऑल लिखा हुआ होगा उसको प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच सके। सो गाइस ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।